हेलो गाइस, सो वी आर गोइंग टू मैं आपका स्वागत है एंड वेलकम टू डेली टेक न्यूज़ #150। जी हां, आज 150 टेक न्यूज़ कंप्लीट हो गई है। जी हां, तो यार थैंक यू ऑल, 150 टेक न्यूज़ खत्म हो गई है। आप अगर टेक न्यूज़ पे सपोर्ट नहीं करते, प्यार नहीं देते तो फिर 150 तक के हम बीच में अटक जाते। तो एनीवेज, आज तो इतनी ज्यादा गर्म खबर है कि भाई हमारा मसाला का भी जरूरत नहीं है, इतनी गर्म है, तवे पे चढ़ के आई है। तो फटाफट से आज के वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर पहले मेरे जन भाई हो, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। 2 सब्सक्राइबर्स चाहिए हमें 120 के लिए, तो फटाफट जाओ कंप्लीट कर डालो। और आप कहोगे कि भाई इतने दिन से कहाँ थी टेक न्यूज़, तो मुझे थोड़ी खांसी हो गई थी तो मैं बोल नहीं पा रहा था, इसके लिए नहीं आ पाई टेक न्यूज़। लेकिन आप डेली टेक न्यूज़ आज से स्टार्ट हम करेंगे। अभी भी है थोड़ी, तो बीच में हो जाएगा, तो थोड़ा संभाल लीजिएगा। एनीवेज, तो पहले घर की बात करेंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ पर हम एसुस से। जी हाँ, एसुस इतने सालों बाद एक्टिव हुआ है, मुझे नहीं पता। ROG फोन 5, जी हाँ, ये जो फोन है ये एसुस दोस्तों 10 मार्च को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। कैरी मिनाटी जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े यूट्यूबर है, उनके साथ में पार्टनरशिप करके एसुस अपना ROG फोन 5 जो है वो इंडिया में लॉन्च कर रहा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ROG फोन 5 के लिए। फ्लिपकार्ट पे ये होगा, आप जरूर से आना। और हाँ, आना से मुझे याद आया, लॉन्च से मुझे याद आया, कल दोस्तों Realme Narzo 30 सीरीज लॉन्च हो रही है, तो उसके लिए मैं कल लाइव स्ट्रीम करूँगा, तो ज़रूर से मुझे ज्वाइन करना, हम धमाल करेंगे, मज़ा करेंगे, तो ज़रूर से आना, मुझे ज्वाइन कर लेना। थंबनेल वगैरह सब आ जाएगा, आपको मैं बता दूंगा। मोस्टली 12:30 को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनका इवेंट भी 12:30 को स्टार्ट हो जाएगा। Asus ROG फोन 5 के लिए एक्साइटेड हो, कमेंट में बता सकते हो। चलिए स्वागत करते हैं अगले खबर के, यहाँ पर दोस्तों पोको पकिया भैया की तरफ से। जी हाँ, पोको दोस्तों पागल हो चुका है और हमें भी पागल कर रहा है। कुछ ऐसा है उनका कि भाई दुनिया को पागल बना दो, ऐसा कुछ उनका स्लोगन है नए लोगों का। तो पता नहीं पोको क्या कर रहे हैं, देखते क्या होते हैं। पोको F2 बोल रहे हैं आने वाला है, X3 प्रो बोल रहे हैं 10 मार्च को आने वाला है, बहुत सारे फोन आ रहे हैं अपकमिंग स्मार्टफोन्स वाला मंथ ऑफ कब है, कौन सा मंथ है, मार्च मंथ का वीडियो करेंगे, जरूर से देखना। तो फिलहाल पोको देखते क्या करता है, पोको रहता है या फिर पोको TV बन जाता है, ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। चलिए स्वागत करते अगला खबर के, यहाँ पर दोस्तों सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने दोस्तों धमाल मचा दी है। जी हाँ, नाइट फोटोज, आपको पता है कोई भी फोन से ले लो मतलब थोड़ी बहुत तो नॉइस होएगी ही होएगी, लेकिन दोस्तों अब सैमसंग ने अपना नया सेंसर ला चुका है, जो कि ये है उनका GN2। ये 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, लेकिन इसमें इतनी ताकत है कि 100 मेगापिक्सल के क्लियर फोटोज ले सकता है। और ये नाइट, इसके माइक्रो मतलब जिससे वो बनता है वो इतने मतलब थिन है कि इतने ज़्यादा एकदम आपको लगेगा ही नहीं आप नाइट में कोई फोटो ले रहे हो, आपको लगेगा दिन का फोटो है। बहुत ज़बरदस्त है ये कैमरा सेंसर, देखते हैं कौन सा फ़ोन में आता है, इसमें कौन जीता है, रियलमी जीतता है, Xiaomi जीता है लाने में, ये तो हम आगे आने वाले वक्त में ही होता। ये सेंसर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। लगे आपको दोस्तों सैमसंग ने इतनी ज़बरदस्त चीज़ कर दी है। जी हाँ, इसके लिए मैं सैमसंग का फ़ोन लिया, मुझे पता था ये मतलब सैमसंग कुछ ना कुछ तो करने वाला है, ज़बरदस्त हमेशा करता है। और दोस्तों उन्होंने किया है कि भाई 4 साल तक, सुनिएगा 4 साल तक जितने भी उनके अभी तक के 2019 से लेके अभी तक जो भी फोन्स लॉन्च हुए हैं उनमें वो 4 साल तक अपडेट देगा। उसमें लकीली मेरा M51 भी ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि न्यू फोन है तो फिर अपडेट्स तो मिलेंगे। 4 साल तक रेगुलर अपडेट्स ये सैमसंग ही कर सकता है, और नोकिया भी कर सकता है, लेकिन नोकिया फिलहाल ख़त्म है। तो लेकिन सैमसंग ने बहुत ज़बरदस्त की चीज़ की है। अगर आपने 2019 के बाद 2019 से लेकर अभी तक कोई फ़ोन सैमसंग का ख़रीदा है तो आपको भी 4 साल तक अपडेट्स मिलेंगे। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़्यादा। वैसे क्या कहना है, आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, सैमसंग का, कमेंट करके बता सकते हो। चलिए उसका अगले खबर क्या है, यहाँ पर दोस्तों मोटोरोला या फिर मोटा हुआई। जी हाँ, मोटोरोला दोस्तों धमाल कर रहा है। जी हाँ, अभी ग्लोबली उनका G10 एंड G30 ये जो स्मार्टफोन्स है वो ग्लोबली 10 मार्च को लॉन्च होंगे, और इंडिया में भी मिड मार्च एंड मार्च तक आ जाएंगे। वैसे एक्साइटेड हो मोटोरोला का G10 G30 के लिए। स्पेक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, खाली डिज़ाइन लीक हुआ है, वो भी पता नहीं है, सब ब्लर सा है, तो फिर वो भी मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन एनीवेज एक्साइटेड हो मोटो G10 G30 के लिए। वैसे मोटोरोला का फोन कौन यूज़ करता है, आप करते हो यूज़, मुझे आप कमेंट में जरूर से बताना।
वैसे कोई इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता मोटो पे, लेकिन ठीक अच्छा ब्रांड है। अभी उन्होंने मोटो G5G भी लाया, 5G फोन अंडर 21 का है वो, तो 750 अच्छा फ़ोन है। चलिए उस वक्त कथा अगला खबर यहाँ पर दोस्तों, सबसे महंगा फोल्डेबल फ़ोन इस साल का लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, Huawei Mate X2, इसमें आपको तीन डिस्प्ले मिलता है। जी हाँ, तीन डिस्प्ले, एक ऐसा है मतलब एक ऐसा रहेगा तो एक ऐसा रहेगा, और इधर पीछे भी एक इधर एक डिस्प्ले है, तो मतलब क्या ही फ़ोन है, और 2 लाख का फ़ोन है। सब एप्पल की तरफ ही जा रहे हैं, हम भी क्या करें, हमें किडनी एनीवेज 2 लाख का फ़ोन, वो भी फोल्डेबल, मतलब कौन लेगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पहले तो एप्पल एक किडनी मांगता था, ये तो दोनों भी मांग दिए, मुझे नहीं पता। एनीवेज तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन है, लेकिन खरीद तो कोई नहीं वाला है, मतलब कोई लोग खरीदेंगे, आप खरीदोगे, आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए साथ का अगला खबर यहाँ पर दोस्तों, बोट, ये हम गेम में यूज़ करते हैं, लेकिन बोट ये जो ब्रांड है, म्यूज़िक का ब्रांड है दोस्तों, वो स्मार्ट वॉचेस भी लॉन्च करने वाला है। जी हाँ, तो ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आप एक्साइटेड हो, बोट आप यूज़ करते हो बोट के ऑडियो प्रोडक्ट्स, और एक्साइटेड हो, इंटरेस्टेड हो बोट के स्मार्ट वॉचेस में, तो आपके लिए बहुत ही जल्दी आ सकता है। अमेजोन पे इसका पेज लीक हो चुका है, आप जाके देख सकते हो। राउंड डायल का वॉच है, काफ़ी अच्छा वॉच है, अगर आपको इंटरेस्ट है चाहिए फटाफट से, देखिए कब लॉन्च करें कब नहीं, वैसे मैं आपको डेट तो बता दूंगा, फिलहाल डेट बाहर नहीं है। एक्साइटेड हो कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले खबर की, यहाँ पर दोस्तों वन प्लस की तरफ से। जी हाँ, वन प्लस 9 सीरीज मार्च के एंड में लॉन्च होने वाली है ग्लोबली इंडिया में, पता नहीं कहाँ कहाँ, लेकिन 9e एक ये भी स्मार्टफोन है जो स्नैपड्रैगन 690G के साथ में आएगा, जो कि ऑब्वियसली 5G है, और अगर अंदर 25,000 आ गया तो रियलमी बेटा ख़त्म हो गया, रियलमी शाओमी सब खत्म। वन प्लस जैसा ब्रांड 25,000 के अंदर अगर आपको मिलता है तो रियलमी शाओमी कौन लेगा यार। वैसे एक्साइटेड हो वन प्लस 9e के लिए, इसमें आपको 90Hz एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, ज़बरदस्त है, ऑलमोस्ट नॉट जैसे ही कह सकते हो, थोड़ा प्रोसेसर वीक है। जी हाँ, बाकी कुछ नहीं है वैसे, कुछ कहना है इस चीज़ के बारे में, सॉरी कॉल आ गया था, एनीवेज तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। चलिए उस बात का अगला खबर की, देखिए आज इतनी खबरें, मतलब पूरा लिस्ट बना, इतना बड़ा लिस्ट है। एनीवेज रियलमी की तरफ से, जी हाँ, रियलमी Narzo 30 सीरीज तो कल लॉन्च हो ही रही है, ऑब्वियसली 5G है, Dimensity 800U है, 30W डार्क चार्जिंग है। अगर आपको सारे स्पेक्स जानने हो Realme Narzo 30 सीरीज़ के, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं आपको उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जल्दी जाके देख लेना, अगर आपको जानना है स्पेक्स क्या होगी तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। वैसे कल मैं स्ट्रीम करूँगा 12:30 बजे लॉन्च इवेंट की, तो ज़रूर से आना, ज्वाइन करना, मस्ती करेंगे, मज़ा करेंगे, और देखते हैं प्राइस क्या होती है। लगे आता दोस्तों, वो ऑब्वियसली वो जो गेमिंग फ़ोन है Narzo 30 प्रो, उनके लिए दोस्तों कल गेम प्रो किट, जी हाँ, उनका गेमिंग किट आ रहा है कल रियलमी का, काफ़ी इंटरेस्ट, मैं इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ के लिए। इसमें आपको थंब स्लीव्स मिलेंगे, ताकि आपके जो, ये मेरे साथ बहुत होता है, मुझे बताना आप कमेंट में कि आपके साथ होता है या नहीं होता, आप अगर ऐसे थंब मतलब खेलते होते हो, इसमें आपका थंब जो है वो अटक जाता है, तो वैसा मेरे साथ होता है, तो वैसे स्लीव्स आने वाले हैं, गेमिंग पंखा आने वाला है, आप फ़ोन पे लगा दो, गर्म हो गए नहीं फ़ोन, मजा करो आराम से, और साथ में आएगा ट्रिगर्स, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। देखते हैं गेम प्रो किट कितने का होता है, कब आता है, कल ही आ रहा है, लेकिन कितने का होता है ये तो हमें कल ही पता चलेगा। चलिए शॉर्टकट है भाई, कितनी टिकनी होता है। एनीवेज रेडमी की तरफ से, जी हाँ, आपको मैंने इंस्टाग्राम पे जो लोग मुझे फॉलो करते हो उन सबको मैंने बता दिया कि भाई मैं वहाँ पे लीक्स देता रहता हूँ छोटे मोटे, अगर मैं न्यूज़ नहीं देता तो मैं उधर ही लीक डाल देता हूँ, तो आप देखते ही होंगे शायद, पता नहीं, नहीं करते फॉलो तो जाइए इंस्टाग्राम पे, warren.vhl लिखिए, मिल जाएगा। Redmi Note 10 सीरीज 10 मार्च को इंडिया में, सॉरी 4 मार्च को इंडिया में लॉन्च होने वाले थे, देखो इतने लॉन्च है, मैं डेट ही इधर उधर डाल दिया। एनीवेज तो Redmi Note 10 सीरीज़ का जो Note 10 का बॉक्स है वो लीक हो गया, Note 10 Pro का भी हुआ था कल, वो हुआ था, मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था उसको, अगर आपने नहीं देखा तो अभी तो वो चला गया होगा, आप देख सकते हैं, लेकिन Note 10 बॉक्स है, उसके ऊपर लिखा है AMOLED डिस्प्ले FHD+ और 48MP ट्रिपल कैमरा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Redmi Note 10 सीरीज़ हमें AMOLED डिस्प्ले के साथ मिलेगी, जो कि ज़बरदस्त बात है,
देखो रियलमी करता था अपना 60 Hz एमुलेट करता है, शाओमी करता है 120 Hz IPS। तो मैं क्या कहता हूँ, दोनों को कंपाइल हो जाना चाहिए 90 Hz एमुलेट में, सेटलमेंट कर लेना चाहिए। मतलब एक देता है एमुलेट, एक देता है IPS में रिफ्रेश रेट देता है। देखो जो एमुलेट देता है उससे मांगोगे आप रिफ्रेश रेट, जो रिफ्रेश रेट देता है उसके पास से आप मांगोगे एमुलेट। तो दोनों को साथ में कंबाइन करके एक सेटलमेंट देना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर दोनों कंबाइन हो गए तो झगड़ा कौन करेगा। वैसे आपको क्या कहना है इस Redmi Note 10 सीरीज के लिए कमेंट में बताना। चलिए उस साथ कहते अगले खबर की, और यहाँ पर दोस्तों Spotify, जी हाँ ये जो ऐप है दोस्तों ये अब हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। तो अगर आप यूज़ करते थे, आपको इंग्लिश नहीं आती है, पढ़ना नहीं आती है, तो अब आप हिंदी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट? तो आप यूज़ करते हो? मैं तो Spotify करता हूँ, आप करते हो? कमेंट में बता सकते हो। क्या आपको पता है कि दोस्तों टर्की में बहुत 6 mechanics थे, उनका ग्रुप था पूरा, उन्होंने दोस्तों एक BMW गाड़ी को पूरा ट्रांसफॉर्मर रोबोट में बना दिया। मतलब एक बटन दबाओगे तो वो पूरा ऐसा रोबोट बन जाएगा, वापस बटन दबाओगे गाड़ी बन जाएगा। ये रियल है, ये आपको लगता था ये सब का वो कार्टून में या फिर मूवी में ट्रांसफॉर्मर, नहीं ये रियल है और ये एक फैक्ट है जो आपको मानना पड़ेगा। तो आज के टाइम से आपका खत्म हो जाती हूँ, आज के टाइम से पसंद आएगी पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। तो इसी के साथ मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। पता नहीं है डब्बा क्यों पकड़े। चलो बाय।